कहाँ गई वो सारी शिप्स और प्लेन्स जो बरमूडा ट्रायंगल से गुजरी थी? क्या बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस हैं जो उन्हें बंदी बना लेते हैं, या फिर कोई सी मॉन्स्टर उन सबको निगल जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे का रहस्य और साइंटिफिक रीजन। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, दोस्तों ये दशकों से दुनिया के सारे साइंटिस्टों को चैलेंज देता आया है। फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच का ये एरिया जहाँ की कई शिप्स और प्लेन्स की अजीबोगरीब तरीके से गायब होने की रिपोर्ट आ चुकी है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य 20वीं सदी के शुरुआत में पूरे विश्व में फैलने लगा। सबसे पहले दर्ज हुई घटना 1918 में थी, जब USS साइक्लॉप्स नामक नेवी कार्गो शिप 309 जवानों के साथ गायब हो गया। उस गायब हुए शिप्स को ढूंढने के लिए कई ऑपरेशंस किए गए, फिर भी कुछ पता नहीं चला। फिर 1945 में एक और बड़ी घटना सामने आई, द मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 19। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक फ्लाइट 19 की, जिसे 5 US नेवी के बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान ही गायब हो गए, जिसको ढूंढने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और बदकिस्मती से वो शिप्स भी गायब हो गए। सेम ऐसी ही घटना 1948 में हुई, जिसे फ्लाइट DC-3 नाम दिया गया। दोस्तों एक प्लेन थी जिसका नाम था डगलस DC-3, जो कि 32 लोगों के साथ रहस्यमय तरीकों से गायब हो गई। दोस्तों ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस सामने आने लगे। दोस्तों ये सब होने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस और अनुमान लगाए गए, चलिए उसे समझते हैं। नंबर 1, ड्यू टू नेचुरल फेनोमेना। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल में एक यूनिक नेचुरल फेनोमेना है जो हर चीज को गायब करने का कारण बनती है। दोस्तों उस एरिया में एक फिनोमिना होता है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, जो कि एक हैवी ओशियन करंट जनरेट करती है और वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। नंबर 2, ड्यू टू मीथेन गैस हाइड्रेट्स। दोस्तों समुद्र में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिसमें उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बायंसी होती है जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाती, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाती है। तीसरा रीजन दिया गया दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। कई साइंटिस्ट इस बरमूडा ट्रायंगल के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्लेम करते हैं। असल में बात यह है दोस्तों कि धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अलग अलग पॉइंट्स। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, बट जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल होता है वो तो अलग पॉइंट है, जिसे हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं दोस्तों जहां आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्टली सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह है जहां पर ऐसा होता है दोस्तों, तो उन्हें एगोनिक लाइंस कहते हैं। वैसे लाइंस टाइम के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों में 0 डिग्री की लाइन है वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है। बेसिकली इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है जो कि उन शिप्स का गायब होने का कारण हो सकता है। दोस्तों ये थे इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस। इनके कोई फुल प्रूफ एविडेंस तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी और भी बढ़ेगी तो शायद ये मिस्ट्री सॉल्व। दोस्तों आपको अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।